हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश बजाज। दोस्तों, आपने क्रिकेट में देखा होगा रोज नए रिकॉर्ड्स बनते हैं और पुराने रिकॉर्ड्स टूटते हैं, बट कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन्हें बनाने वाला भी याद नहीं रखना चाहता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक होते हैं और इनसे नाम जुड़ने पर इन खिलाड़ियों को भी अपनी बेइज्जती महसूस होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, राहुल द्रविड़। दोस्तों, राहुल द्रविड़ को अपनी बैटिंग टेक्निक के लिए भारतीय टीम में एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनके बैट को परास्त करना किसी भी बॉलर की श्रेष्ठता का पैमाना है। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि भारतीय टीम की यह दीवार टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार बॉल्ड आउट हुई है। यह खिलाड़ी 13,000 टेस्ट रन बनाने के बावजूद 54 टाइम बॉल्ड आउट हुआ है, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद एलन बॉर्डर 53 एंड सचिन तेंदुलकर 48 टाइम हुआ है। तो ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार बॉल्ड आउट होने वाले खिलाड़ी राहुल द्रविड़ है, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। नंबर 2, वनडे में सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होना। दोस्तों, अगर आप वनडे क्रिकेट में धुआंधार ओपनिंग की बात करोगे तो आपको याद आएगा सनत जयसूर्या। लेकिन वनडे क्रिकेट में 300 से ज़्यादा मैच खेलकर वो 10,000 से ज़्यादा रन बनाकर जयसूर्या के नाम पर इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होने का भी रिकॉर्ड है। मैच 17 गेंदों में 50 बनाने वाले इस खिलाड़ी ने 34 बार 0 पर आउट हुए हैं। इसके बाद शाहिद अफरीदी जिन्होंने 30 बार और वसीम अकरम ने 28 बार 0 पर आउट हुए। तो सनत जयसूर्या, जो वनडे के सबसे धुआंधार खिलाड़ी माने जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा टाइम 0 पर आउट हुए हैं। नंबर 3, टेस्ट मैच में सबसे महंगा ओवर देने वाला बॉलर। दोस्तों, अगर आप टेस्ट मैच की बात करोगे तो इसमें सबसे ज़्यादा महंगा ओवर जिमी एंडरसन ने दिया है। 500 से ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले महान तेज गेंदबाज जिमी एंडरसन के नाम पर ये रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान जोस बेली ने उनके एक ओवर में 28 रन बनाए थे, जो कि टेस्ट क्रिकेट में आज तक का सबसे महंगा ओवर है। नंबर 4, टेस्ट इतिहास का सबसे धीमा शतक। दोस्तों, वैसे तो टेस्ट क्रिकेट को टुक टुक गेम भी कहते हैं, जिसका मकसद दर्शकों को बड़े शॉट्स दिखाने के बजाय विकेट पर जमकर अपनी टीम को सुरक्षित स्कोर तक पहुंचाना होता है। लेकिन इसमें भी यदि कोई बैट्समैन शतक तक पहुंचने के लिए 550 मिनट बैटिंग करे तो उसे आप क्या कहेंगे? क्रिकेट के इस सबसे धीमे शतक का नज़ारा पाकिस्तान के ऑलराउंडर मुदस्सर नजर ने 1977 में लाहौर में इंग्लैंड के खिलाफ किया था, जो कि टेस्ट इतिहास का सबसे धीमा शतक था। नंबर 5, वनडे क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन। दोस्तों, T20 क्रिकेट में तो आप सभी जानते हो कि एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन स्टुअर्ट ब्रॉड ने दिए थे, बट वनडे क्रिकेट में ये हॉलैंड के वान बंग्स ने दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के बैट्समैन हर्षल गिब्स ने 2007 के वर्ल्ड कप में उनके एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। तो वनडे क्रिकेट में अभी तक सबसे ज़्यादा 36 रन हॉलैंड के वान बंग्स ने दिए, जो कि एक ओवर में अब तक का रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई जाके सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।